दोस्तों इसके अंदर एक ऐसे बाबा रहते हैं जो वह बाबा का बात सुनने के बाद, उनका दर्द सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। अब देख सकते हैं जो ये चप्पल उतार करके बाबा के अंदर में जाना पड़ता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए बाबा को खाने पीने का सामान है वो, जो बाबा कुछ कुछ खाते हैं, ये पानी की जगह है, और यहाँ पे शायद आपको देख रहे हैं ये बाबा हैं, हटिए तो ये बाबा हैं, बाबा यहाँ पे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और बहुत ज़ईफ़ आदमी हैं जो इनको देखने के बाद पता चल रहा है। ये शमशान घाट है, आप देख सकते हैं ये शमशान घाट में ये बाबा रहते हैं, और ये बाबा नागा बाबा हैं, नागा बाबा के नाम से ये जाना जाता है। बाबा एक मिनट आप थोड़ा उठिएगा, आपसे कुछ बात करना है। लाइए हाथ, लाइए हम हाथ लाइए, उधर गिर जाएंगे जी, इधर से पकड़े जी, ये सब टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये सब बैठ नहीं सकते हैं, बैठते हैं। आइए थोड़ा मोबाइल का लाइट जला दीजिएगा इधर से। यहाँ पे देखिए, देखने के बाद बाबा के पास जब मैं अभी पहुँचा हूँ तो यहाँ पे भाई साहब भी आए हैं देखने के लिए। जो आपको बाबा से मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है बाबा आपका? अनिरुद्ध सिंह। आप यहाँ पे इतनी सुनसान जगह पे रहते हैं, इतनी सन्नाटी जगह पे रहते हैं। वो पिलर है ना? जी जी, वो पिलर जी, उसका उधर में सुजान है, शमशान घाट है। यहाँ पे आप अकेले रहते हैं कि और भी कोई आदमी इसमें रहता है? अकेले रहते हैं। आपकी क्या उम्र है? 87 हो। 87 चल रहा है, 87 चल रहा है, यानी 87 87 साल इस बाबा की उम्र है। और आपको कौन से बाबा के नाम से लोग जानते हैं? लाल बाबा। और लाल बाबा जी, आप ये नागा बाबा भी हैं? हाँ, नागा बाबा हैं। हाँ, ये आपको नागा बाबा हैं, तो आप ये कहाँ से, आप ये गुरु आपके कहाँ के थे? हमारा गुरु हरिद्वार के थे। तो आपने तो शादी नहीं की होगी? नहीं है। कौन चीज? हमारा घर है ना, जमीन जगह है ना, नौकरी चाकरी है। वहाँ गुरु महाराज पूछे जे क्या सन्यासी बनोगे ना, इधर से लेट देख लीजिए जी, सन्यासी बनोगे ना साधु बनोगे, ये सन्यासी बनोगे ना नागा थी संसार करोगे? तो हम बोले कि नहीं, हम कहाँ से संसार करेंगे, संसार करने से खिलाना होगा, अपना पेट तो मुश्किल है चलाना, हमारा कोई नौकरी चाकरी है ना, घर है ना, जमीन जगह है। एक सरदार जी दान कर दिए हैं, आपको दान किए थे। तो आप ये बचपन से नागा हैं, कितनी उम्र में नागा बाबा का है ना, आपको नागा बाबा बनने की क्या उम्र थी उस टाइम में? 18 साल 17 साल का बीच था। 17 साल 18 साल। तो आपने अभी जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये नहीं है, कौन चीज़ नहीं है? जो नागा बाबा की पहचान क्या होती है? नागा बाबा की पहचान होती है उसको नंगटा रहते हैं। तो अभी तो आपने आप कपड़ा पहने हुए हैं? नागा लाइन छोड़ दिए, इसीलिए वहाँ नंगा रहते थे। हाँ, यहाँ आप शरीर पे कपड़ा रख लिए। हाँ, तुम 15 साल का उम्र में घर छोड़ दिए थे, बहुत पापा मारते थे। तो आप सोचे कि मेरे बाबे बन जाना है, नागा बाबा बन जाना है, संन्यास ले लेना? वो चीज़ नहीं सोचे तो? थे वहाँ जा कर के, ये चीज़ हरिद्वार जाने से वो गुरु महाराज बोले। क्या बोले? बोले जगह जमीन नहीं है, सन्यासी बनोगे कि साधु बनोगे? सन्यासी बनोगे कि संसारिक साधु बनोगे? हम बोला संसारिक साधु नहीं बनेंगे हम, ना हम सन्यासी साधु बनेंगे। तो गुरु गोरखनाथ भेज दिए हमको और 4 आदमी के साथ में, और 5 आदमी को नींद तोड़ा गया हुआ ऐसा करके, झटका मार के, एक ही झटका में, दूसरा झटका नहीं मारना। कौन चीज झटका? इसको पकड़ के मारना है आपका प्राइवेट पार्ट, आपका प्राइवेट पार्ट को, आपका हाँ, जो प्राइवेट पार्ट है उसको तोड़ दिया गया। हाँ, उसको तो आप देख सकते हैं, ये बाबा जो आप सामने बैठे हुए हैं, ये बाबा बनने से पहले वहाँ इनके जो गुरु थे, इनके प्राइवेट पार्ट को हाथ से पकड़ करके और तेज खींच दिए, एक झटका में तोड़ दिए। आप देख सकते हैं ये बाबा जो बैठे हुए हैं, इनका प्राइवेट पार्ट टूटा हुआ है, ये कोई काम नहीं करता है। आपका प्राइवेट पार्ट जो है ये काम नहीं करता है? नहीं,
किसी तरीके का इंडिकेट नहीं है? नहीं नहीं, इनके प्राइवेट पार्ट को वो आपके जो गुरु थे वो तोड़ दिए? वो गुरु नहीं हमारे। वो कौन तोड़े आखिर? वहाँ वो मास्टर थे, वो तोड़ने वाले। तोड़ने वाले मास्टर थे? तो जित वहाँ आपको प्राइवेट पार्ट को पकड़ के एक झटका मारते हैं या और कई सारा झटका मारते? नहीं, एक झटका। एक झटके में पूरा तोड़ दिया जाता है? 5 दिन 6 दिन बेहोश रहता है सब। 5 रोज 6 रोज बेहोश रहता है? पाइप से खाना देता है। पाइप से? तो आपका प्राइवेट पार्ट जो टूटा उस टाइम आपको नशे की हालत में तोड़ दिया गया, तोड़ा गया था, या आपको पूरा होशो हवास में तोड़ा गया था? होशो हवास में। होशो हवास में, तो जिस टाइम आपका प्राइवेट पार्ट को पकड़ के घींचा होगा उस टाइम तो लगा होगा कि पूरा प्राण उड़ गया। हाँ। पूरा बेहोश हो गए। हाँ। उसके बाद कितना रोज बाद आपको होश आया? हमारा 5 दिन के बाद आया, और लोग थे 4 ठो साथ में जी, उन लोग का 6 दिन 7 दिन ऐसा हो। 6 दिन 7 दिन के बाद उनको होश आया, आपको 5 दिन के बाद आया। तो आपको जो जब होश आया तो आप फिर क्या देखे? आप अपने शरीर पर ध्यान दिए होंगे, आप अपने प्राइवेट पार्ट पर ध्यान दिए होंगे? फूला हुआ था। फूला हुआ था, बहुत फूल करके मोटा हो गया होगा क्या? हाँ। फिर दवा हुआ भी इसके में आपको दिया गया था? हाँ, जड़ी बूटी का दवा बांध दिया। तो सिर्फ प्राइवेट पार्टे को तोड़ा गया कि और भी है ना कोई चीज को तोड़ा गया? सिर्फ पूरे शरीर के अंदर में प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया गया? यानी उसमें किसी तरीके की जान नहीं छोड़ी गई? नहीं, जान नहीं छोड़ी गई। जो वो आपको किसी तरीके का इंडिकेट करे या किसी तरीके की हरकत हो या उसमें किसी तरीके की जाने नहीं है, जो वो कोई आपको आपको जो शरीर के अंदर का यही एक पार्ट है प्राइवेट जिस पर जान रहता है, ये इस जान खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको डर नहीं लगता है? नहीं, हमारा डर नहीं लगता है। हम आप खाना पीना अपने खुद बनाते हैं? नहीं, हम कैसे बनाएंगे? हमारा पैर भी टूटा हुआ है। पैर कैसे टूट गया? एक मोटरसाइकिल मारा आज 5 साल पहले, ये सब पैर टूटा हुआ है। यहाँ फ्रैक्चर है, और यहाँ 4 बार ऑपरेशन हुआ है, 5वां बार जाने के लिए सोच रहे हैं, पैसा नहीं हो रहा है। पैसा नहीं हो रहा है ना? यानी आपको अगर किसी तरीके से कहीं से मदद मिले तो आप मदद ले सकते हैं? हाँ, कहीं से अगर कोई आपने एक नागा बाबा है, नागे बाबा है ना? हाँ। आप एक नागा बाबा, हाँ, वहाँ नंगा आप रहते थे? हाँ। वहाँ हरिद्वार में? कहाँ? नहीं, हरिद्वार से गंगा सागर जा गए जी, बहुत जगह पूजा होता था इसको। इसके आपको जो आपका प्राइवेट पार्ट है? हाँ। जो जिसको लिंग कहा जाता है उसका पूजा होता था? हाँ। पूजा किस तरीके का? उस पर लड़की लोग करती थी? लड़की लोग करती थी, कुमारी लड़की लोग। ओ, उस प्राइवेट पार्ट की आप देख सकते हैं, ये बाबा का कहना है कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट, हमको नागा बाबा बनाया गया, उसके बाद हमारे प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया गया, और जितनी सारी लड़कियां, कुमारी लड़कियां आती थी, मनवारी समाज की जो लड़कियां लोग आती थी, और उसके बाद आपको उसमें भी कुमारी अनमैरिज लड़की वो आती थी, तो इसका पूजा करती थी। किस तरीके से वो बाबा पूजा करती थी? चंदन वंदन सब लगाती थी। आपके प्राइवेट पार्ट पे हाथ से वो अपने पकड़ करके लगाती थी? हाँ। पूरा आगे पीछे पुलिस रहता था, आगे पीछे पूरा पुलिस प्रशासन के लोग रहते थे। हाँ। और सारा लड़कियां लोग उस पे चंदन लगाती थी। देख सकते हैं बाबा की दर्द भरी कहानी, आप देख सकते हैं जो ये कितनी आपको सुनसान जगह पे रखते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इनके जो सामने देख रहे हैं, ये बगल में इनके एक में आपको ये कौन चीज है, शमशान घाट है, यहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है, इस जगह का क्या नाम है? अगर कोई आदमी आपको कहीं से हेल्प करे या आपसे मिलना चाहे तो आप इस जगह का क्या नाम है बाबा? इस जगह को दमोदर नदी किनारे शमशान घाट। दमोदर नदी किनारे शमशान घाट वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ। वर्धमान। आपका नाम क्या हो गया? अनिरुद्ध सिंह जी। आप रहने वाले कहाँ के थे? हमारा पापा का दूर जगह घर था, औरंगाबाद बिहार जी, और मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, बंगाल में जन्म हुआ हमारा, बंगाल में। तो आप यहीं रह गए, तो आपका वहाँ तो दर्द याद होगा गांव में? हम जाना कभी नहीं जाते, यानी पूरा परिवार, पूरा जो भी रिलेशन के आदमी, आप पूरे परिवार को आप भूल गए, आप अपनी अलग दुनिया बसा ली है।